नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टिकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके द्वारा दिए गए सुझाव और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं आप सभी के लिए, आपकी सहायता के लिए ऑर्डनेंस फैक्ट्री में होने वाले मेडिकल टेस्ट के लिए संपूर्ण जानकारी की वीडियो लेकर आऊँ। और इस वीडियो में आपके द्वारा मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड तमाम प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। फिर भी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं। वीडियो में ऑर्डनेंस फैक्ट्री के मेडिकल टेस्ट की संपूर्ण जानकारी का समावेश किया गया है, जिससे वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अतः मेडिकल टेस्ट की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक और शेयर से यह पता चलता है कि मेरे द्वारा टेक्निकल टिकल चैनल पर दी गई जानकारी से आप पूर्णतया संतुष्ट हैं, और आपका यही लाइक और शेयर मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेडिकल टेस्ट में आपका सबसे पहले नॉर्मल चेकअप किया जाएगा। नॉर्मल चेकअप में ये चीज़ें आती हैं, जैसे आपका हाइट, आपका वेट, आपका चेस्ट एक्सपेंशन यानी कि आपका सीने का फुलाव कितना है, वगैरह वगैरह। अगला आपका आता है ईयर हियरिंग यानी कि ENT टेस्ट आपका किया जाएगा। फिर आपका नोज टेस्ट किया जाएगा, आपके नाक को चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका थ्रोट यानी कि गले को चेक किया जाएगा। ये सब नॉर्मल चेकअप है। बॉडी टेम्परेचर, आपके माउथ को चेक किया जाएगा यानी कि आपके मुंह को चेक किया, मसाले वगैरह तो नहीं खाते हैं। फिर उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। ब्लड प्रेशर से आपका पल्स रेट, हाई BP, लो BP, वास्कुलर सिस्टम वगैरह वगैरह को चेक किया जाएगा। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि मेडिकल टेस्ट के दिन ब्लड प्रेशर में बदलाव आते रहते हैं। उसकी वजह ये है कि एस्पिरेंट्स को ये टेंशन होता है कि आज मेरा मेडिकल है, रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी या निगेटिव। दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपको मेडिकल टेस्ट वाले दिन किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में लाना ही नहीं है। आप ना कोई निगेटिव थिंकिंग लाएंगे, ना आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो। अगला टेस्ट आपका ब्लड टेस्ट है। इस टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन का लेवल, शुगर, डायबिटीज, एनीमिया, ब्लड मोशन, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC, श्वेत रक्त कोशिका WBC की क्वालिटी, संख्या, आपका ब्लड ग्रुप, इन्फेक्शन, ब्लड टेस्ट, रक्तस्राव और केमिस्ट्री पैनल के जरिए कुल कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL आदि की भी जाँच की जाती है। इस टेस्ट से आपका ब्लड शुगर के बारे में भी जानकारी मिलती है और कैल्शियम, पोटेशियम और लोहे जैसी महत्वपूर्ण खनिजों का भी आकलन होता है। हीमोग्लोबिन A1C से आपके शरीर में ग्लूकोज की स्थिति का भी आकलन करने के लिए ये टेस्ट होता है। दोस्तों, ऑर्डनेंस फैक्ट्री में मेडिकल टेस्ट का जो लेवल है वो ज़्यादा टफ नहीं होता है, नॉर्मल ही होता है। आपको डरने की कोई वजह नहीं है। अगर आपके अंदर फिर भी कोई कमी या कोई इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको जल्द से जल्द ठीक करवा लें। अगर आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, टेम्प्रोरी आपको समय दिया जाएगा, आप इसमें सुधार करके फिर से मेडिकल टेस्ट के लिए पुनः वापस आ सकते हैं। अब चलते हैं यूरिन टेस्ट की ओर। यूरिन टेस्ट से आपके शरीर की सारी गंदगी का रूप, जो आपके खान पान, व्यायाम, गुर्दे कार्य, स्वास्थ्य, होने वाली बीमारी आदि का पता चलता है। यूरिन टेस्ट एक रासायनिक परीक्षण है। इस टेस्ट से आपके यूरिन का pH मान यानी कि पोटेंशियल हाइड्रोजन, मूत्र का अम्लीय या क्षारीय स्वभाव का पता लगाने का एक उपाय है। मूत्र में pH मान अक्सर किडनी से जुड़े रोगों का पता लगाने में सहायता प्रदान करता है। यदि जांच जीवाणु और अन्य जीवों की बढ़ती स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, यदि पेशाब में जीवाणु बहुत कम या नज़र नहीं आते हैं तो ऐसी जांच का परिणाम निगेटिव होता है, और यदि
जांच में जीवाणु बड़ी संख्या में पाए जाते हैं तो यह पॉजिटिव होता है। अब आते हैं आई टेस्ट की तरफ। इसमें आपके आँखों का चेकअप किया जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए छवि के अनुसार 15 से 20 फीट की दूरी से उस इमेज या छवि में लिखे हुए अक्षरों को पढ़कर बताना है, छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में। फिर आपकी आँखों में मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट विजन करेक्टरिस्ट आदि। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मे के साथ तथा बिना चश्मे के साथ भी आपकी आँखों का चेकअप किया जाएगा। उसके बाद आपकी आँखों में वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस को चेक किया जाएगा। यह टेस्ट कुछ इस प्रकार का होगा। आपको दिखाए गए इमेज के अनुसार उसमें छिपे हुए अंक या अक्षर को पहचानना होगा कि आपको उस इमेज में क्या छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि नंबर या अक्षर को पहचानने में देरी नहीं करना है। आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ इमेजेस को दिखा रहा हूँ। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताएं कि आपको इस इमेज में क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। घंटे के आइकन को प्रेस करने से आपको यह फ़ायदा होगा कि टेक्निकल टिकल चैनल पर जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसे आप मिस नहीं कर पाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलता रहेगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।